हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों। और दोस्तों, आज आपका स्वागत है और न्यू ब्लॉग में आपका, आज का ब्लॉग में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत है आपके छोटे भाई की तरफ से दोस्तों। और दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आज भी आप सबके लिए एक नया जानकारी जड़ी बूटी लेकर आ गया हूँ दोस्तों, नया से नया। एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि दांत के दर्द के लिए क्या उपयोग करें, तो उसी के बारे में है आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो दोस्तों। और दोस्तों, नए होना तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप सबके लिए जंगल की ओर आ गया हूँ। जंगल नहीं है, ये छोटा सा नाला है हमारे घर के किनारे में है, तो इधर आ गया हूँ मैं वो जड़ी बूटी आप सबको दिखाने के लिए दोस्तों। वो बहुत ही असरदार है, बहुत ही फ़ायदा करता है दोस्तों, एक बार कर लिए ना तो बहुत ही अच्छा होगा आपके दांत के लिए, दांत मजबूत ही हो जाएगा दोस्तों। और उसका उपयोग कैसे करते हैं उसे बताने वाला हूँ मैं बारी बारी से दोस्तों। थोड़ा सा भी जानकारी छूट जाएगा तो आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो दोस्तों। चलो दिखाता हूँ उस जड़ी बूटी को, और चलो आगे में है उसका पौधा। और दोस्तों, सामने कैमरा से आप सबको दिखाता हूँ मैं, इधर ही है वो जड़ी बूटी जिसे हम ढूंढने आए हैं। और एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि उसका दांत दर्द का औषधि जड़ी बूटी बताओ, तो मैं उसी के उपयोग के लिए आप सबके लिए ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। उस जड़ी बूटी को इधर ही था, किधर है नज़र नहीं आ रहा है, देखते हैं। हाँ, इधर दिख गया दोस्तों, इधर ही है, देख सकते हो, इसे देखकर तो आप पहचान गए होंगे, यही है दांत का दर्द के लिए फ़ायदेमंद, अच्छा ही फायदा करता है दोस्तों। इसका उपयोग कैसे करना है आप सबको वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे दो प्रकार के रहता है, देख सकते हो, इसमें एक कांटा लगा हुआ है और इधर साइड में एक और है, दिखा देता हूँ। ये भी है एक पौधा, ये नहीं है लेकिन देख सकते हो, सेम पौधा है वैसी है, लेकिन इसमें कांटा नहीं है और इसमें कांटा लगा हुआ है, देख सकते हो, इसे कांटा से पहचान कर सकते हो, पत्ते से और कांटा से इसका पहचान कर सकते हो। और देखकर आप लोग तो पहचान चुके होंगे, इधर भी है देख सकते हो। और दोस्तों, इसको नहीं पहचान रहे हो तो मैं आप सबको बता देता हूँ, ये अपामार्ग बोलते हैं दोस्तों इसको, देख सकते हो इस प्रकार से रहता है, अपामार्ग का पौधा है दोस्तों। और दोस्तों, इसको उखाड़ लेता हूँ, उसके बाद इसका उपयोग आप सबको दिखाता हूँ बारी बारी से। और देख सकते हो दोस्तों, मैं उखाड़ कर ले आया, इसे उखाड़ लिया हूँ, अब इसका प्रयोग आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। इस तरह से रहता है, और दोस्तों इसका उपयोग विधि आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये देख सकते हो इसका पत्ता है, और इस पत्ते को ना दांत में चबा चबा कर, दांत दर्द कर रहा है तो दांत में चबाना इसको, और इसके रस को अगल बगल कर देना, इससे दांत की दर्द रहता है वो ठीक हो ही जाता है दोस्तों। और इसका एक फ़ायदा और है, जो तीत मुंह में ना छाला पड़ जाता है तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। मुंह में छाला हो जाता है किसी प्रकार के, तो इसको चबाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। ये अपामार्ग के पत्ते को चबा लो और रस को अगल बगल कर लो, और अंदर भी चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, पेड़ पौधे पे देवी देवता का निवास होता है दोस्तों, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं होता है। और इसे चबा चबा कर, दांत में दर्द है तो चबा लेना तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। रस को पी सकते हो, या पीना नहीं चाहते तो बाहर भी फेंक सकते हो, कुल्ला जैसे कर सकते हो, कुल्ला मार के बाहर फेंक सकते हो। और इसके डंठल के बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों मैं आप सबको, देख सकते हो इसका डंठल ले लिया हूँ मैं। और इस डंठल से ना ब्रश घंसने से, सुबह इस डंठल के ब्रश घंसोगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, दांत दर्द में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है इसका डंठल से। रोज़ सुबह घंसने से दांत मजबूत होता है, और दांत का दर्द जो रहता है वो भी नहीं होता है दोस्तों। और इसे कम से कम एक माह तक कर लिए तो आपका दांत तो बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों, और हिलेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं, दांत मजबूत हो जाएगा, तो दांत दर्द होना ही नहीं है,
नहीं होगी का दांत दर्द भी नहीं होगा, दांत मजबूत हो जाएगा, दांत दर्द की मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, दांत की कोई परेशानी नहीं होगा। जब दांत ही मजबूत हो जाएगा तो क्या, दांत ही मजबूत हो जाएगा तो दर्द भी नहीं होगा दोस्तों। और दांत दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदा है, हमारे दोस्त ने एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, तो उसी के लिए हमने ये वीडियो आप सबके समक्ष लेकर आए हैं दोस्तों। और दोस्तों नए से नए जानकारी मैं हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ आप सबके लिए दोस्तों। और हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नया से नया जानकारी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों। हर डेली डालता हूँ मैं अपना एक नया वीडियो और नया जानकारी के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का चीज़ है, और बहुत ही, और इसमें तो तांत्रिक प्रयोग भी होता है, इसके जड़ से, जड़ में इसका तांत्रिक प्रयोग करते हैं, तो मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ तो नहीं बता सकता उसका प्रयोग। और दोस्तों इसका, इसके बहुत ही फायदेमंद गुण है, और मैं जितना भी जानता हूँ उतना बताता हूँ आप सबको, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका। कई वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बहुत ही अच्छा है, अच्छा असरदार करता है दोस्तों, बहुत ही फ़ायदा करेगा आप सबके लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, तो फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।